आयरन से भरपूर, हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर करने वाला, दिल को हेल्दी रखने वाला, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने वाला, आपके हेयर फॉल को रोकने वाला, ब्लड शुगर को मेंटेन करने वाला, स्किन और आंखों के लिए लाभकारी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मेल विद टेस्ट पेज। यहाँ पर अगेन आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, मिनटों में बन जाने वाली, सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाने के लिए ले रहे हैं यहाँ पर हम काले चने, छोटे वाले काले चने यहाँ पर हमने लिया है, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश करके रात भर पानी में भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी काले चने लिए थे, जिन्हें मैंने रात भर भिगो दिया। आप देख सकते हैं सौंफ होके डबल हो गए हैं। गैस पे रखा है प्रेशर कुकर, गैस हमारी स्लो फ्लेम पर है। डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच करीब देसी घी, आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल का यूज भी कर सकते हैं। और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा, डालेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, 10 सेकेंड के लिए सोटे करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, और उसे भी 10 सेकंड सोटे करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं हमारे उबले हुए चने, जिनका हमने पानी निकाल दिया है। पूरे 1 मिनट के लिए इन्हें सोटे करा है हमने, और 1 मिनट सोटे करने के बाद यहाँ पे ऐड करा है धनिए की डंडियाँ बारीक कट करके करीब 1 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक और 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं यहाँ पर काला नमक, और साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच करीब हल्दी। चनों को आप डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद चने की इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नॉर्मली अगर आप चने की सब्जी बनाने के लिए उबालते हैं या चनों को फ्राई करने के लिए भी उबालते हैं, तो इस स्टेप को फॉलो करें, उन्हें थोड़ा सा सोटे करें करीब 1 मिनट के लिए तेल में या घी में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नमक और हल्दी डाल दी है, और बस एक बार कुछ सेकंड्स के लिए इसे अगेन सोटे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। पानी की मात्रा आप थोड़ी सी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने जस्ट पानी इतना डाला है कि हमारे चने अच्छे से कवर हो जाएं, और बस थोड़ा सा ही ऊपर पानी हमारा चनों से है, ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं भरा है। अगर आप सूप की क्वान्टिटी ज़्यादा रखते हैं तो इस लेवल पर पानी डाल सकते हैं, या बाद में भी आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने फिंगर का इतना पार्टी पानी ऊपर लिया है, और यहाँ पे ले रहे हैं 1 विसिल हाई फ्लेम पर, और उसके बाद पूरे 20 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर इसे रख देंगे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही अगर ज़्यादा पानी लेते हैं तो हमारे चने अच्छे से बॉईल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट उन्हें करने के लिए पानी की क्वान्टिटी यहाँ पर हमने थोड़ी कम रखी है। अनगिनत फ़ायदों के साथ काले चने को सभी अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इंक्लूड करते ही हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, झटपट बन जाने वाली, हल्के मसालों के साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। चलिए, आ गई है इसमें 1 विसिल, और इसके बाद हमने इसे रख दिया था 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर, और 20 मिनट बाद पूरे हमने गैस की फ्लेम को कर दिया था बंद, और जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया तो हमने कुकर के ढक्कन को खोल दिया। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे सॉफ्ट हमारे चने बॉईल होकर हमें मिले हैं। गैस पर रखी है हमने कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर रखी है हमने एक छन्नी, इस छन्नी में छानने वाले हैं हमारे चनों का सारा ही स्टॉक, सारा ही पानी हम यहाँ पे छान देंगे, जिससे बनाने जा रहे हैं हम चनों का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हेल्दी सूप। अब इस लेवल पे अगर आपको नीड लगती है कि आपका सूप कम बनेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे ही चने छान लिए हैं, सारा ही पानी ले लिया है हमने कढ़ाई में, और गैस की फ्लेम हमने चला दी है स्लो पर, और बस यहाँ पे हमने चनों को ग्राइंड करना है। उससे पहले हम निकाल लेते हैं तेज़पात के पत्तों को, क्योंकि तेज़पात के पत्तों का फ्लेवर भी और इनका बेनिफिट भी सब इसके स्टॉक में आ चुका है। तो बस यहाँ पे हमने लिए हैं थोड़े से चने, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चने लेंगे, सारे चनों को हमने ग्राइंड नहीं करना है। और डाला है थोड़ा सा गर्म पानी, करीब 1 कटोरी गर्म पानी यहाँ पर मैंने ऐड करा है, और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने इसका बना के तैयार करना है, क्योंकि हम ऐड करेंगे हमारे सूप को गाढ़ा करने में। हमारे पास चनों की क्वांटिटी ज़्यादा थी, हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 कटोरी बॉइल्ड चनों को ग्राइंड करा है बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में, और मिला देंगे हमारे चनों के स्टॉक में। यहाँ पे चनों को पेस्ट को मिलाते हुए कई बार लम्स बन जाते हैं, तो आप इसे इस तरह से थोड़े से पानी में पहले मिलाते हुए ऐड कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे और ईजिली आप इसे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा पानी आप अलग से निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, और हमारे इस चने के पेस्ट को घोल के उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करीब 3 कटोरी मेरे पास ये स्टॉक है, और उसके अलावा 1 कटोरी मैंने चने के पेस्ट को बनाने में ऐड किया था 1 कटोरी पानी। यहाँ पे मेरे पास 4 कटोरी पानी है, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करा है, और 1/2 चम्मच ऐड करेंगे यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर,
उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, नमक अगर लगता है कम तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। और बस एक चम्मच यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बटर। बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च को यहाँ पे स्किप करा है। और बस एक बॉईल आएगा, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और ऊपर जो ये झाग आ रहे हैं इन्हें हमने हटा देना है। इससे कहीं ना कहीं हमारे सूप में टेस्ट ख़राब हो जाता है। चलेंगे बस सर्विंग की तरफ। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बाउल। यहाँ पे मैंने 4 कटोरी बनाया है सूप। इन चारों ही बाउल्स में ऐड कर देंगे करीब 1-1.5 चम्मच हमारे बॉयल्ड चने। फ्रेंड्स, मैंने हमारे इस सूप में प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं करा है। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज और लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं। आप इस लेवल पे भी प्याज और लहसुन को डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, या जब हमने चने बॉयल करे थे और उन्हें हल्का सा करा था सोटे, तो आप उस समय भी प्याज और लहसुन को सोटे कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है हमारा सूप जो हमने बना के तैयार करा था। साथ में ही डाल दिया है नींबू। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बस ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आपका गर्मा गर्म सूप, सर्दियों का स्पेशल हेल्दी सूप सर्विंग के लिए तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, लेकिन पतली ही रखिएगा, तभी टेस्ट में मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।